सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको समझाऊंगी कि कारक कितने हैं, क्योंकि कारक में विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि कारक कितने हैं, हिंदी में कितने कारक हैं, संस्कृत में कितने कारक हैं। तो इसके विषय में आप अच्छी तरह से समझेंगे। कारक हिंदी में प्रायः कारक 8 माने जाते हैं। हिंदी में प्रायः कारक 8 माने जाते हैं, जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पिछली वीडियो में भी मैंने कारक के विषय में अच्छी तरह से समझाया। तो कारक कितने माने गए हैं? 8। क्रिया की सिद्धि में निमित्त 6 ही कारक हैं। जब हम क्रिया को सिद्ध करते हैं तो उसके निमित्त 6 ही कारक हैं। संस्कृत में संबोधन और संबंध कारक नहीं है। संस्कृत भाषा में संबोधन और संबंध कारक नहीं है। संबोधन और संबंध को कारक संस्कृत में नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? क्योंकि वे क्रिया की सिद्धि में निमित्त नहीं होते, अपितु दूसरे से संबंध रखते हैं। संस्कृत में इन दोनों को, संबोधन और संबंध को, कारक इसलिए नहीं माना है क्योंकि ये क्रिया को जब हम सिद्ध करते हैं तो उसमें ये निमित्त नहीं है, उसमें यह सिर्फ संबंध रखते हैं, ये हर क्रिया के साथ। तो इसलिए संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, लेकिन हिंदी में इन्हें कारक माना गया है। तो यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी भाषा में कारक 8 है और संस्कृत भाषा में यदि पूछा जाए कि कारक कितने हैं तो संस्कृत भाषा में कारक 6 हैं। तो ऐसा क्यों है वह भी मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि संबंध और संबोधन कारक जो है क्रिया को सिद्ध करने में नियमित नहीं होते। यह दो जो कारक हैं यह सिर्फ क्रिया के साथ संबंध ही रखते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप अच्छी तरह से समझ लें। ऐसे प्रायः कारक 8 माने जाते हैं। अधिकतर आपको 8 ही कारक समझाए जाते हैं कि कारक 8 है, लेकिन संस्कृत में ऐसा भी लिखा जाता है कि कारक 6 है। तो 6 क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया कि दो कारक जो है क्रिया के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने में वे निमित्त नहीं होते, इसलिए संस्कृत में 6 कारक है। लेकिन आपको जानकारी सभी कारकों की होनी चाहिए। जैसे पहला कारक है कर्ता, जो प्रथम विभक्ति से संबंधित है। कर्म द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। करण तृतीय विभक्ति से संबंधित है। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति से संबंधित है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से संबंधित है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति से संबंधित है। अधिकरण जो है सप्तमी विभक्ति से संबंधित कारक है। और संबोधन से संबंधित कारक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है, उसे आप अवश्य देखें, क्योंकि उसमें आपको मैंने अच्छी तरह से इसके विषय में जानकारी दी है। यदि आपको इसमें कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।